सबको राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज जो विषय है वो रोड सेफ्टी के बारे में है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या लगभग 151,000 प्रति साल है। और आपको याद होगा कि हमारे देश में कोरोना फरवरी में आया था लास्ट ईयर, और इस लगभग सवा साल डेढ़ साल में लगभग 393,000 समथिंग, जो मैंने नेट पे संख्या देखी, वो इतनी मरने वालों की संख्या है। आप यकीन मानिए कि कोरोना से सब लोग जो है इतना खौफ खाते हैं, और वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, और प्रोटोकॉल्स का, नियमों का पालन भी कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, लॉकडाउन भी हो रहे हैं, पूरी पूरी मार्केट बंद हो जा रही है। तो आपको पता होगा कि इसमें मरने वाले जो हैं वो जवान और बुज़ुर्ग दोनों हैं, जबकि ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने की वजह से और रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मरने वाले जो हैं बहुत सारे लोग ब्रेड अर्निंग मेंबर होते हैं और प्रोडक्टिव एज के होते हैं। तो उस लिहाज से रोड एक्सीडेंट से हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है बजाय कोरोना के। तो कोरोना से तो हम सब डरते हैं और सारे प्रोटोकॉल्स भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या हम सड़क पर निकलते हैं तो हम हेलमेट लगाते हैं? क्या हमने ये कसम खाई है कि हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या हमने ये सोचा है कि हमें खुद को सुरक्षित रखते हुए गाड़ी चलानी है और दूसरे को भी सुरक्षित रखना है? जो दूसरे रोड यूज़र्स हैं उनको भी हमारी गलती की वजह से कोई नुकसान ना हो। कोरोना से तो सब डरते हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट से क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि उसमें भी जान जाने का खतरा है, और उसमें भी सामने एक आपके बड़ा ट्रक आ रहा है और आप फिर भी ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। खास करके बाइकर्स जो टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाते हैं और कहीं से भी निकल जाते हैं, उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि आप थोड़ा इंतज़ार करें। आप इंतज़ार करें कि आपको कब रास्ता मिलता है, तब आप उसको पार करें। ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए। आप समझिए, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आप अपने परिवार के लिए और खुद के लिए रोड सेफ्टी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। रोड सेफ्टी का ध्यान रखिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए। मेरी बस आपसे यही जो है प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को उचित जो है वैल्यू दीजिए, आप वैल्यू दीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम।